हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयसेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है और वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। अभी हम हमारे नए साइट पर है। यहाँ पर इसके पहले जब हमने वीडियो शूट किया था, दैट वाज बिफोर द डिमोलिशन वर्क स्टार्टेड एंड ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। तो एक अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो है। इसके पहले आपने क्लाइंट ब्रीफ और डिजाइन वाले वीडियोज भी देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो ये इस साइट की जो सारे वीडियोज है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। सो मेक श्योर आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए सो दैट आप पूरा जितना भी प्रोग्रेस आगे हुआ है वो समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सो आज हम साइट पे हैं और देख लेते हैं कहाँ तक काम आगे बढ़ा है, सिविल वर्क में क्या क्या हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये पैसेज का एंड है और ये अभी ये लिविंग रूम का पार्ट है। नाउ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किचन है और मेजर चेंज यहाँ पर कुछ होगा तो वो ये है कि पहले किचन की ये वाली जो वॉल थी वो यहाँ तक कंटिन्यू हो रही थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग बन गया है। सो इनिशियली किचन का जो एंट्रेंस था वो वहाँ से था विच वी हैव मेंटेन, बट उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा दी है। पर यहाँ से हमने और एक एंट्रेंस किचन के लिए बनाया है, वो वाला भी हम देख लेते हैं हिस्सा। सो यस, ये इनिशियल जो एंट्रेंस था इसको बढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो एक ओपन किचन जैसे इस जगह को हमने प्लान किया है और अभी किचन में जो डिस्कशन चल रहा है आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। सो किचन में बेसिकली जो काउंटर है, काउंटर का मार्किंग अभी हम लोग कर रहे हैं और क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जिसका प्लानिंग आपको एंड तक जो फिनिशेस और जो फिटिंग्स आप यूज़ करने वाले हैं सब कुछ करके आपको फिर पूरा उल्टा वर्किंग करना पड़ता है और फिर आपको मार्किंग करना पड़ता है। जैसे कि इस किचन में हम गोला प्रोफाइल यूज़ करने वाले हैं, मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दूंगी, तो उसके लिए वर्टिकल्स थोड़े छोटे रखने पड़ते हैं। तो ये पूरा सोच के कि एंड में क्या यूज़ करने वाले उस हिसाब से वर्टिकल्स थोड़े छोटे रखेंगे, उस हिसाब से नीचे का जो स्कर्टिंग होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा उसका मेजरमेंट चेंज होगा, फिर वर्टिकल्स चेंज होंगे, तो वो सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यस, यहाँ पर एक सी शेप काउंटर आने वाला है। सो यहाँ पर एक काउंटर होगा, मेन कुकटॉप होगा, यहाँ पर कुछ स्टूल्स और वो सब आने वाला है। सो वहाँ से जब वो ओपनिंग से देखेंगे तब ये पूरा काउंटर दिखेगा, यहाँ पे कंटिन्यू होगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा और वहाँ पर सारे अप्लायंसेस और सब कुछ आने वाले हैं। टुवर्ड्स द विंडो वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल आने वाला है। सो इट विल बी अ बिग किचन। सो इनिशियल वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो जो हिस्सा है अगर आप सीलिंग में देखेंगे आप एक छोटा मार्क देख सकते हैं वॉल का। सो वो सर्वेंट्स रूम थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए उसको अंदर लिया, इसके लिए अभी किचन काफ़ी बड़ा हो गया है। सो यस, ये है किचन अपडेट। नाउ लेट्स सी यहाँ पर जहाँ से शुभम शूट कर रहा है उसके पीछे क्या क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। किचन के एग्जैक्टली सामने वाली जो दीवार है यहाँ पर आप देख सकते हैं निशेस कुछ क्रिएट किए थे, इसके लिए अभी प्लास्टर किया है उसको। सो दो निशेस हैं और ये बेसिकली ये जो बेडरूम है वहाँ से एक्सेसिबल है और वो जो स्टोरेज होने वाला है, तो क्योंकि हम वॉल स्पेस यूटिलाइज करना चाहते थे इसके लिए ये निशेस क्रिएट किए हैं। नाउ ये जो साइड है यहाँ से, बिकॉज द निशेस आर एक्सेसिबल फ्रॉम द इनसाइड, तो यहाँ से मार्बल पार्टीशन की है, उसको प्लास्टर किया है, उसके ऊपर जिप्सम पनिंग करेंगे, तो जो दीवार का फिनिश होगा, पेंट का फिनिश होगा, सेम फिनिश दिखेगा। तो यहाँ से कुछ नहीं समझेगा बाद में कि कुछ निशेस किए हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब करने से पहले हमने जो डेवलपर है उनसे प्रॉपर परमिशन ली थी, जो प्रपोज ड्राइंग्स थे, जो भी चेंजेस थे वो सब कुछ हमने सबमिट किए थे और उनकी जो स्ट्रक्चरल टीम है उनसे गो हेड मिलने के बाद ही हमने ये चेंजेस किए हैं। क्योंकि ये करते वक्त हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखा है कि वी हैव नॉट टच्ड एनी ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। सो यस, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वॉल में भी निश है और उस वॉल में भी निश का पैच आप देख सकते हैं, विच आर अगेन एक्सेसिबल फ्रॉम द बेडरूम साइड। इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट सरफेस आपको दिखेगा। नाउ लेट्स गो इनसाइड द बेडरूम एंड सी कि निशेस वहाँ से कैसे दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम और ये निश हमने लिविंग रूम से देखा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि प्लास्टरिंग वो साइड से हुआ था तो मार्बल पार्टीशन नहीं देख पाए हम, पर यहाँ से आप मार्बल पार्टीशन देख सकते हैं। और इसको फिनिश करने के बाद भी अगर आप शटर थोड़ा सा भी बाहर लेंगे तो भी बहुत बाहर स्टोरेज नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा मटेरियल आ गया है क्योंकि कारपेंट्री का काम शुरू हो चुका है और किचन का थोड़ा सा काउंटर वगैरह बनने का वो थोड़ा सिविल वर्क बाकी है, पर सिविल और कारपेंट्री साइमल्टेनियसली हो रहा है। और यस, वार्डरोब भी, वार्डरोब का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है। नाउ वार्डरोब्स के साथ हमने यहाँ पर क्या किया, जो हम हमेशा फॉलो भी करते हैं एक्चुअली, कि वार्डरोब के ड्राइंग्स वगैरह फाइनल होने के बाद भी साइट पर बिफोर द वार्डरोब इज़ कंस्ट्रक्टेड हम क्लाइंट के साथ एक मीटिंग करते हैं और सारे जो लेवल्स होते हैं वो मार्क करते हैं। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने मार्क किया था कि जो एक हैंगिंग स्पेस है वो कौन से हाइट पे आ रही है, ड्रॉवर्स कहाँ पे आ रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा ड्रॉइंग होता है डिटेल में, पर वो जो ड्रॉइंग है उसको बेसिकली वॉल के ऊपर रिक्रिएट करते हैं। सो वॉल के ऊपर वहाँ पर एक्चुअल में 1:1 में जब क्लाइंट्स इसको देखते हैं एक्चुअल स्केल में, तो सारी चीज़ों के हाइट्स का अंदाज़ा बहुत अच्छे से आता है और इफ़ एट ऑल उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं,
रिविजन्स करने हैं, तो वो पूरा बनने से पहले वो करना काफी आसान होता है. नाउ वी हैव डन दिस विथ ऑल द बेडरूम्स, ऑल द वार्डरोब्स, और इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, बट आई थिंक काम स्टार्ट होने के बाद कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करना उससे ये थोड़ा सा बेटर है. एंड या नाउ लेट्स सी द अदर बेडरूम. ये दूसरी बेडरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कटआउट जो हमने लिविंग रूम साइड से देखा, एक सेमी सर्कुलर कटआउट है और दरवाजे के पीछे भी एक वर्टिकल पूरा निश है. सो ये जो है यहाँ पर मिसलेनियस स्टोरेज और ये ड्रेसर का स्टोरेज इस तरीके से इस शेप में मिरर बनने वाला है. आप देख सकते हैं लाइट का पॉइंट भी वहाँ पर छोड़ के रखा है. सो ये हो गया. और उसके बाद यहाँ पर भी एक निश है जो लिविंग रूम से एक्सेसिबल है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया. अदर देन दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्डरोब का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है, जहाँ पर शेल्फ्स आने वाले, हैंगिंग, तो ड्रॉवर्स वगैरह का काम चल रहा है, बट बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है. उसके बाद एसी का जो पाइपिंग है उसके लिए जो पैनलिंग करते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लाई में, वो आप देख सकते हैं उसका काम चल रहा है. सो वो है, सून विल स्टार्ट विद द बेड्स. किचन का थोड़ा सा कटिंग का काम शुरू होने वाला है, लेट्स सी दैट. जैसे इनिशियली मैंने एक्सप्लेन किया, किचन काउंटर का मार्किंग हमने स्टार्ट किया था और जो किचन कॉन्ट्रैक्टर आए थे उनसे डिस्कस करके भी जस्ट रियलाइज कि कुछ चीज़ें हैं जिसको चेंज करना है, कुछ मेजरमेंट्स चेंज करने हैं, उस हिसाब से थोड़ा कटिंग होने वाला है. आप रेड में देख सकते हैं मार्किंग किया हुआ है और माइनर थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें चेंज करना है. सो ये नेसेसरी है कि इसी स्टेज में वो चेंजेस कर दे, क्योंकि ऐसे होता है कि कोई एक चीज़ इनिशियली अगर उसमें गलती हो गई, कोई एक चीज़ एक इंच बढ़ गई, तो हर एक चीज़ वो उतना एरर मल्टीप्लाई होते जाता है. सो इसके लिए हाँ वो अभी एरर करेक्ट कर रहे हैं. यस स्वप्निल, यू वांट टू एक्सप्लेन. तो बेसिकली कुछ चेंजेस बताया किचन कॉन्ट्रैक्टर ने, तो विल बी कटिंग द बैक काउंटर टू गेट मोर स्पेस विद इन द काउंटर. सो लेट्स सी. सो ये थर्ड बेडरूम है, पेरेंट्स बेडरूम, जो एक्चुअली एंटर करने के बाद पैसेज में सबसे पहली बेडरूम आती है वही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल में ये जो निश है जो हमने लिविंग रूम साइड से देखा. सो ये यहाँ पर एक ड्रेसर आने वाला है, ड्रेसिंग यूनिट होगा. और ये हो गया बेड साइड है, बेड का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. मेरे पीछे आप देख सकते हैं वार्डरोब है, इसके पीछे भी हमने मार्किंग किया था, अभी तो उसके पीछे चला गया है, बट वार्डरोब का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है. और यहाँ पर ये जो वॉल है, यहाँ पर पूरे वॉल के ऊपर एक ग्रिड में पैनलिंग आने वाला है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉयलेट का दरवाज़ा है, तो देर इज़ नो स्पेस फॉर अ साइड टेबल. क्योंकि अगर हम इस बेड को शिफ्ट करते तो इस साइड में हमें साइड टेबल की जगह मिल जाती, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि टूवर्ड्स द विंडो वो चाहते थे एक अच्छा सीटिंग हो, जहाँ पर उनके पेरेंट्स वहाँ पर रिलैक्स बैठ सकते हैं और बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं. तो इसके लिए वो सीटिंग चाहिए था, और उसी के वजह से प्रॉपर वहाँ से डिमेंशंस लेने के बाद वी जस्ट रियलाइज कि बेड एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, बट दिस स्पेस इज़ इनफ वार्डरोब और इसके बीच में आने जाने के लिए इनफ है. द ओनली थिंग इज़ यहाँ पर साइड टेबल नहीं है, बट वी हैव ऑल्सो थॉट अबाउट इट कि वो किस तरीके से होगा. ये जो साइट है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है. एक मेजर चीज़ जिसकी वजह से वो स्पेशल है, हमेशा हम जो करते हैं, आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में, हम जो 3D व्यूज साइट के लिए बनाते हैं वो स्केचअप के व्यूज़ होते हैं, और इवन दो वो दिखने में स्केच ही होते हैं, बट आई थिंक स्केचअप एज अ सॉफ्टवेयर इज़ सो गुड एंड सो फास्ट. तो आप क्विकली उसमें 3D मॉडल्स बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, रिविजन्स करना काफ़ी आसान होता है, तो हमेशा हम वो प्रोसेस एक फॉलो करते हैं. बट इस साइट में इस बार हमने 3D मैक्स के व्यूज बनाए हैं, और वो हमने इसके लिए किया था क्योंकि ये जो क्लाइंट है इनके साथ इनिशियली जब हमने डिस्कशन किया था तभी ये हमें समझ गया था कि एक बहुत ही टाइट टाइमलाइन के साथ हमें काम करना पड़ेगा. एंड मोस्ट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द क्लाइंट विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल वर्क कमिटमेंट. तो इसके लिए इनिशियली 2 महीने ही वो उनका वक्त उनके साथ इंटरेक्शन के लिए हमें मौका मिला था. तब उनके साथ डिस्कशन करके जो पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो सब कुछ हमने कर लिया था, और उसके बाद इसीलिए हमने 3D व्यूज़ और 3D मैक्स में सब कुछ बनाया, क्योंकि वी न्यू वेरी वेल दैट उसके बाद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे. नाउ प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स वो अवेलेबल नहीं होंगे. तो इसके लिए वी वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जब तक वो है तब तक हम सारे फिनिशेस सब कुछ फ्रीज कर ले. तो इसीलिए हमने सारे फिनिशेस अभी फाइनल कर लिए, सब कुछ सिलेक्शन हो चुका है, और अभी अगर आप देखेंगे तो कार्पेंट्री का काम स्टार्ट हुआ है और जो किचन काउंटर अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है, फिर भी सारे फिनिशिंग मटेरियल्स फाइनल हो चुके हैं. लाइट शैंडलियर्स वो भी हमने देखे हैं, जो रेडीमेड फर्नीचर, सोफा सेट्स और जो डाइनिंग टेबल सब कुछ आने वाला है, विच प्रोबेबली वी नीडेड प्रोबेबली आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है. एक कचहरी मार्केट हम गए थे, वो हमने शूट भी किया है. सो प्रोबेबली यू विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो.
तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फ्रीज कर दी है एंड दिस काइंड ऑफ वर्किंग स्टाइल इज़ न्यू फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हमें भी अभी तक ये आदत थी कि जैसे जैसे काम होता है उस तरीके से फटाफट फिनिशेस फाइनल करो, पर पहले से सब कुछ फाइनल होना और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड डेफिनेटली उससे जो काम होता है आई थिंक बहुत रिफाइंड होता है। और मैं पर्सनली खुद की वर्स्ट क्रिटिक हूँ और मुझे खुद को ही खुद का काम जल्दी अच्छा नहीं लगता, बट विद दीज 3D व्यूज आई एम सुपर हैप्पी। और इस व्यूज़ के ऊपर जो 3D विजुअलाइजर है दीपक है, कैन सी हिम, उसने भी बहुत मेहनत की है और काफ़ी एक फाइनल व्यू क्लाइंट तक पहुँचने से पहले वो लिटरली 5 या 6 बार रिवाइज होता है। और 3D मैक्स का रेंडरिंग का वेटिंग टाइम अगर आपको पता होगा तो एक कॉर्नर प्रॉपरली रेडी होने के लिए मिनिमम 3 दिन लगते हैं अगर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो। सो यस, उस तरीके से सारे व्यूज रेडी हुए हैं एंड आई होप आपको ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा होगा। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि और क्या आप डिटेल में देखना चाहोगे, कोई साइट का कोई पर्टिकुलर हिस्सा जिसके बारे में आप और बात करना चाहोगे, कोई सवाल आपको है तो भी ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।